भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा तेलंगाना की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे, जहां उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में कार्य किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को दलित हितैषी और कांग्रेस को दलित विरोधी बताया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का तेलंगाना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जमकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री एस कुमार, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष देवानंद सहित कई लोग मौजूद रहे। लाल सिंह आर्य ने बताया कि वे इस समय कई राज्यों के दौरे पर हैं। उन्होंने तेलंगाना की बैठक में भाग लिया और अब वे हैदराबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों के लिए योजना नहीं बनाई गई, सिर्फ नारे लगाए गए। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस दिन संसद की चौखट पर माथा टेका था और कहा था यह देश संविधान से चलेगा, उस दिन बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को पूरा कर दिया गया था। नरेंद्र मोदी ने कभी गरीबों और दलितों के लिए नारे नहीं लगाए, उन्होंने उनको उनका हक दिलाया। कई योजनाएं दलितों और गरीबों के लिए लेकर आए हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन संसद की चौखट पर मत्था लगाया था और ये कहा था कि मेरा देश भारत के संविधान के अनुसार चलेगा, उसी दिन लग गया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को, दीनदयाल जी के सपनों को, विवेकानंद जी के सपनों को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को, सरदार पटेल जी के सपनों को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे। और इसलिए इन 7 वर्षों में आप देखेंगे देश में 73 साल बाद कोई निर्णय गरीबों के हित में होते हैं। कांग्रेस की 57 साल केंद्र में सरकार रहती है लेकिन गरीबों की योजना नहीं बनती है, गरीबों के लिए नारा लगाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए नारा नहीं लगाते, गरीबों के लिए काम करते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।